आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के, 90 किलोग्राम के तख्ते पर तीन आदमी ABC जिनके द्रव्यमान क्रमशः 40, 50 और 60 किलोग्राम है। तख्ता घर्षण रहित टेबल पर या क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है। यदि A और C अपनी स्थितियों को बदल लेते हैं तो आदमी B अपनी स्थिति को कितना बदलेगा, ये हमसे पूछा गया है। विकल्प आपके पास में यह है बच्चों, अ, ब, स और द। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यह है हमारे पास में MA, इसका द्रव्यमान MA बोल देता हूँ, इसका द्रव्यमान MB बोल देता हूँ, इसका द्रव्यमान MC बोल देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि जैसे ही ये वाला, ये तो है अच्छा, यहाँ पर कमाल की चीज क्या दी गई है, ध्यान से देखिए, ये भी 2 मीटर पर, ये भी 2 मीटर पर, यानी कि ये कहाँ पर खड़ा हुआ है बच्चों, द्रव्यमान केंद्र पर ही खड़ा हुआ है ना, ये कहाँ पर खड़ा हुआ है, द्रव्यमान केंद्र पर ही खड़ा हुआ है। चूंकि बाह्य बल क्या है बच्चों, F बाह्य, वो है हमारे पास में 0, यानी कि द्रव्यमान केंद्र अपनी स्थिति ये वाली जो है ना, ये स्थिर रहेगा। ठीक है, ये तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां से जब ये इधर से इधर की तरफ में जाएगा, ये वाला तो जाएगा इधर और ये वाला जाएगा इधर। ठीक है, तो जब ये भारी वाला है, ये जब ये इधर की तरफ में जाएगा तो प्लैंक इधर की तरफ में जाएगा, पीछे की तरफ, यानी कि इसके पीछे की तरफ में, यानी कि ये प्लैंक जो है वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा तख्ता, है ना। और ये मान लेते हैं कि किसी एक्स डिस्टेंस तक ये पीछे की तरफ में चला जाता है। और जब ये इसकी स्थिति पर आता है तो ये वाला जो है ये यहाँ कहीं पर होता है, यानी कि ये एक्चुअल में पूरा का पूरा ये इतना 4 नहीं चल करके जाता, ये कितना चल करके जाता है, ये चल करके जाता है 4 - x चल के जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार अगर ये वाला इसकी स्थिति पर आएगा तो ये कितना चल के जाएगा, 4 + x चल के चला जाएगा। और ये वाला चूंकि ये द्रव्यमान केंद्र है, तो अगर ये वाला इधर की तरफ में है और ये द्रव्यमान केंद्र पर ही खड़ा हुआ है, तो इसका भी विस्थापन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, x ही होगा, जो कि इसका हो जाएगा, क्योंकि ये भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका तो ये यहां का यही x पर आएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो डेल्टा x निकालने के लिए जो सूत्र होता है, डेल्टा xCOM है ना, वो बराबर कितना होता है, वो होता है हमारे पास में MA डेल्टा XA प्लस MB डेल्टा XB प्लस MC डेल्टा XC और प्लस ये प्लैंक भी तो है, ये है मेरे पास में M प्लैंक का, है ना, इसका MP बोल देता हूं मैं। ठीक है, और इनटू डेल्टा XP। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में इनका सबका द्रव्यमान आ जाएगा, है ना, कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में MA प्लस MB प्लस MC प्लस MP। ठीक है, सबका मान आपको दिया गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में अच्छा ये वाला तो नहीं कर रहा है, यानी कि इसके परिवर्तन तो हो नहीं रहा, स्थिर है, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 बराबर MA कितना है बच्चों, 40, ये कितना चला 4 + x। ठीक है, प्लस का ये कितने का है, 50 का, ये कितना चला x, प्लस ये कितने का है, 60 का, चला ये 4 - x। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चे, यहां से मेरे पास में कितना, और ये प्लस का MP भी तो है, MP कितना दिया गया है बच्चों आप लोगों को, MP 90 का। ठीक है, और ये 90, और ये भी कितना चलेगा, वही x ही चलेगा, क्योंकि ये तो इसी का है ना, ये तो इसी के साथ में चलेगा। ठीक है बच्चा, और बटे कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा मेरे पास में, सबको जोड़ देंगे, 40 + 60 प्लस ये 40 + 50 + 60 + 90। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, 0 बराबर, अच्छा मैं यहाँ पर 0 नहीं करता हूँ, इधर की तरफ में जो है ना इन सबको जोड़ देता हूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 9 9 9 18, 18 और 6 24, है ना, 18 और 6 24, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15, 15 और 4 20, 20 + 4 24, यानी कि 240 इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 240 बराबर, है ना, इसको इससे करेंगे तो 160 + 40x। ठीक है, प्लस के 50x, है ना, प्लस के ये कितना हो जाएगा 240, है ना, 6 × 4 = 240, माइनस का 60x और प्लस के कितना हो जाएगा 90x। तो ध्यान से देखिए, 240 और ये 240, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां से ये मेरे पास में वापस से 0 बराबर आ गया, यहां से ये 40x है, 50x है और माइनस के 60x है, तो 40 और 50 90x और माइनस के 60x, यानी कि कितना बच गया, 30x बच गया, है ना, और ये 160 है ना, और अच्छा एक ये भी तो था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ठीक है, और ये प्लस के 90x हो रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, और ये मेरे पास में कितना आ रहा है, 90x, और ये बराबर, और प्लस का कितना आ रहा है मेरे पास में, 107। ठीक है, चलिए इसको और हल कर लेते हैं, तो यहां से जो 0 बराबर आया मेरे पास में, ये कितना आ गया, 120x, है ना, और प्लस के कितना आ गया मेरे पास में, 60। क्या मेरी बात क्लियर है, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां से मेरे पास में कितना आ जाएगा, 160 है ये, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 160 / 120, वो भी ऋणात्मक में आएगा,
है ना, ऋणात्मक का मतलब है कि इसके वेग से विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, चार बटे, ये कितनी बार कट गया ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो गड़बड़ी यहां से होती हुई आ रही थी, चलिए उस गड़बड़ी को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये लास्ट वाला जो है ना, ये इतना चलेगा ही नहीं, हमने यहां पर गड़बड़ी कर ली थी, ध्यान से देखिएगा, ये चार माइनस एक्स थोड़ी ना चलेगा, ये एक्स माइनस चार चलेगा, कितना चलेगा एक्स माइनस चार, है ना, वही गड़बड़ी होगी थी, यहां पर ये एक्स माइनस चार आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस, अब देखिए बच्चों अगर मैं इस पूरे को इधर की तरफ में भेज दूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा जीरो, बराबर ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 160 प्लस 40x प्लस 50x प्लस 60x माइनस 240 और प्लस का 90x, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 40 50 60 90 ये तो कितना हो गया मेरे पास में 240x, है ना, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 240 160 यानी कि माइनस के 80, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 80 बटे 240 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 8 × 24 होता है यानी कि 1/3 मीटर। तो जो हमारा जो ये तख्ता है ये कितना खिसक करके चला जाएगा बच्चों, इधर की तरफ में जाएगा 1/3 मीटर, ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर है। और यही वाला जो बी है ये भी इतना ही खिसकेगा इसी के बराबर, तो जो है ये किधर की तरफ में जाएगा, दाई तरफ, यानी कि जो सही जवाब है वो है बच्चों ब। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।